दोस्तों, बोट रॉकर्स 510 मैं छोटा सा अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू करूंगा। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 10 घंटे का प्लेबैक है, 2 घंटे की चार्जिंग टाइम है, बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरीज है और आप इसे ऑक्स केबल से भी प्ले कर सकते हैं। सामने लिखा गया है हाई डेफिनेशन बैलेंस साउंड एक्स्ट्रा पावरफुल बेस, तो यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी मिलती है, ऑक्स केबल मिलती है और थोड़े बहुत यूजर मैनुअल्स मिल जाते हैं। हेडफोन की बात करें तो ऊपर बोट की ब्रांडिंग है, साइड में आपको 4 बटन देखने को मिलेंगे जिससे आप ऑब्वियसली प्रीवियस, नेक्स्ट या वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्ले पॉज बटन मिलता है और नीचे छोटा सा माइक्रोफोन मिलता है और साथ ही आपको माइक्रो यूएसबी चार्ज करने के लिए पोर्ट मिलता है। नीचे ऑक्स केबल है, अंदर लिखा गया है रॉकर्स 510। बिल्ड क्वालिटी फर्स्ट इंप्रेशन में काफी प्रीमियम लग रही है और यहाँ पे ये बिल्कुल टफ ये फोन है, आप इसे यूज कर सकते हो डे टू डे में, कुछ नहीं कि काफी अच्छी तरीके से ध्यान दी गई है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। आप 3 सेकंड तक पावर बटन को दबाए रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप काफी इजीली तरीके से अपने फोन से, लैपटॉप से, आईपैड से, किसी भी चीज से पेयर कर सकते हैं। पेयर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप काफी इफेक्टिवली बटन वगैरह वर्क कर रही है। नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट हो रही है काफ़ी इजीली। इसमें आप ऑक्स केबल के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि बटन्स काफ़ी क्लोज है तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है प्रेस करने में। बाकी कुशन बेस वगैरह काफ़ी अच्छी दी गई है। आपको गेम खेलना है तो आप ऑक्स केबल का यूज़ करो, मेरा ये सजेशन है। बाकी ये हेडफोन काफ़ी अच्छा है, आप इसे ले सकते हो। मुझे ये पड़ा 1250 रुपये का फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में, और आप चाहो तो इसे 2000 का ये आता है वो ले सकते हो या फिर ऑफर वगैरह देख लो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।